पढ़ेंगे। उधर मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में रात करीब 12 बजे भयानक आग लग गई। पहले आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास खड़ी एक और पनडुब्बी भी आग की चपेट में आ गई। दोनों पनडुब्बियां हार्बर में खड़ी थीं। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि धमाके के साथ नेवल डॉकयार्ड में आग लगी और पनडुब्बियों के अंदर से भी धमाके की आवाज आई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त नेवल डॉकयार्ड में आग लगी उस वक्त दोनों पनडुब्बियों में नेवी के जवान मौजूद थे। आग से बचने के लिए इन नौसैनिकों को पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इन्हें बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ ही साथ सिविल फायर ब्रिगेड की 20 से 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉकयार्ड में आग लगी, उसके बाद देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जिस पनडुब्बी में आग लगी थी वो डूब गई है। आपको बता दें कि बीती रात 12 बजे के आसपास ये आग लगी और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जिस पनडुब्बी पर आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी पूरी तरह से डूब चुकी है। रात में इस पनडुब्बी में आग लगी थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं रात के वक्त नजारा क्या था मुंबई में, और उस वक्त आग पर काबू करने की कोशिशें शुरू की गई। आग को काबू में भी कर लिया गया घंटों की मशक्कत के बाद, लेकिन जिस पनडुब्बी में आईएनएस सिंधु रक्षक में जिसमें ये आग लगी थी वो पूरी तरह से डूब चुकी है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आईएनएस पनडुब्बी जिसमें आग लगी थी वो डूब गई है, और क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जरूर जिससे जो नेवी को इस बात का अंदेशा था कि शायद ये जहाज को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन आखिरकार नेवी के लोग इसको बचा नहीं सके और पूरी जो आईएनएस सिंधु रक्षक है पूरे डूब चुकी है पानी में। और सबसे लोगों के लिए कहते हैरानी की बात है, जो 18 लोग जो 18 जवान इस पे शिप में जो तैनात थे जो उस वक्त मौजूद थे, उनका जैसा कि मैं सुबह से बता रहा था कि लापता है, उनका अभी तक मिसिंग है, वह यानी साफ है कि अब वह इसी पनडुब्बी में जो इस वक्त जो मौजूद है उसी में वह नीचे दब चुके हैं। लगातार क्रेन और तमाम बड़ी बड़ी मशीनों की लगभग मदद ली जा रही है ताकि उस जहाज को बाहर निकाल सके और जो उसके कुछ शेष साथ ही साथ जो लोग उसमें दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला सके। यह सबसे बड़ी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो एक बात इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि पनडुब्बी जो है पूरी डूब चुकी है और ठीक पीछे जो नेवल डॉकयार्ड है यहाँ बड़े बड़े क्रेन बकायदा मंगाए गए हैं ताकि उसकी मदद ली जा रही है और तमाम एक्सपर्ट मंगाए गए हैं ताकि जो लोग अंदर उसमें दबे हुए हैं कम से कम उनको बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जो अगर सूत्रों की माने तो क्योंकि देखिए मामला कल करीबन 11:55 यानी 12 बजे के आसपास हुआ था और अब करीबन 10 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और आप समझ सकती हैं कि पानी में 10 घंटे तक रहना शायद हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए सूत्रों का साफ कहना है कि जितने भी लोग 18 लोग उसमें इस वक्त मौजूद होंगे उनका शायद सकुशल बच पाना सकुशल वापस आना शायद काफी मुश्किल होगा। शायद कोई करिश्मा काम कर जाए तो शायद वह बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज किसी भी सूरत में वह अब कहीं सुतरी दुनिया को न देख पाए। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत दुखद घटना कह सकते हैं कि एक लापरवाही हुई है, लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। बिल्कुल, हालांकि हमें इंतजार करना होगा कुछ वक्त का क्योंकि वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें भी की जा रही है। जरा ये बताइए आप कब तक ये पूरी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि आपने जैसा जानकारी भी दी है 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और तभी से लोग लगे हुए हैं लगातार ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। किस तरह की दिक्कतें भी पेश आ रही यहां पर? देखिए चित्रा, पूरा जो इसके जहाज की अगर मैं जो सिर्फ आईएनएस जो सिंधु रक्षक है इसकी बात करूं तो करीबन इसका वजन काफी ज्यादा इसका वजन है और सबसे बड़ी बात इसकी जो लंबाई है 236 फीट के आसपास की लंबाई, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लंबाई और इतना आसान नहीं होता है पानी से बाहर निकालना। जब इसका पूरा जो अगर जो एक बताना चाहूं कि जिस तरह से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद बकायदा इसमें आग लगती है और आग लगने के बाद फिर बकायदा कई सारे ब्लास्ट होते हैं जैसा कि आप चित्रों में देख पा रही होंगी। और जो ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट होने के बाद ही जो जानकारी अब मिल पा रही है कि वो पनडुब्बी नीचे धीरे धीरे डूबने लगती है, लेकिन डूबने को रोकने के लिए लगातार प्रयास नेवी द्वारा किए जाते हैं लेकिन आखिरकार वो प्रयास सभी के सभी असफल साबित होते हैं और अंततोगत्वा अब पूरे जो पनडुब्बी है वो पानी में डूब चुकी है और 18 लोग
जो उसमें उस वक्त सवार थे वह सभी के सभी लोग पानी में डूब चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं लोगों की गुंजाइश प्राप्त की है कि शायद जितने भी लोग हैं साथ सकुशल बाहर निकल लिया जाए। तमाम इसके लिए बकायदा एक्सपर्ट्स को और तमाम अन्य चीजों की बकायदा मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जो भी 18 लोग उसमें थे उसमें से किसी को भी अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। बिल्कुल, जो 18 लोग फंसे हुए थे उनमें से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है और ये तस्वीरें बीती रात की हम आपको दिखा रहे हैं। INS सिंधुरक्षक पनडुब्बी में जब बीती रात तकरीबन 12 बजे जबरदस्त धमाका होता है और उसके आसपास ये आग चारों तरफ फैल जाती है, 1.5-2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जिस पनडुब्बी में आग लगी हुई थी वो डूब चुकी है। और यहां पर 18 लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो 18 लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर भी चुका है। इसीलिए चिंता का सबब भी ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त बना हुआ है। धमाके के बाद पनडुब्बी में भीषण आग लग गई थी और इसके बाद एक के बाद एक 3 धमाके हुए। पनडुब्बी में 18 लोग सवार थे और इन 18 लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है और इसी वजह से चुनौती इस बात की है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन इसके बारे में अब तक कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रात में पनडुब्बी में आग लगी थी। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले जो बड़ी चुनौती इस वक्त नेवी के सामने है वो है 18 लोगों को बचाने की। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, वहां पर लोग उम्मीदें भी खोने लगे हैं उन 18 लोगों की, क्या आपको लगता है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया तो उन लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, सबमरीन में आग लगना अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो हार्बर में आग लगी है। आग किस कारण लगी है ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा, पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18 लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ड्रिल होती है, वो ड्रिल पूरी इस्तेमाल की जा रही होगी, नेवी के सारे जो सिस्टम है वो इस पे लगा होगा। एक्चुअली कई चीजों का एहतियात करना होगा, बाकी सब जहाजों को दूर करना होगा वहां से, नहीं तो उनके ऊपर भी आग लगने का खतरा होता है, स्पेशली जहाज जिनमें एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव डिवाइस है उनको दूर करना होगा। और इस समय इनका रेस्क्यू ऑपरेशन का जो ड्रिल है वो चल रहा है और सबमरीन के डूबने से पहले बिल्कुल पानी अंदर आने से पहले इनको निकाला जाना चाहिए, पर आग लगने के लिए जो सिस्टम है यहाँ उनका कैप्सूल सिस्टम होता है कि अगर एक सेक्शन को बंद कर दिया जाए तो आग आगे नहीं फैलती, पर अंदर अब किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम फेल हो गया है वो नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम की जरूरत होगी। और अगर फ्यूल पाइपलाइन या फ्यूल टैंकर अगर बगल में है उनको दूर करना होगा, एम्यूनिशन सिस्टम को दूर करना होगा और इनफ्लेमेबल आर्टिकल को दूर करना होगा। ये हमें अभी देखना होगा कि जो नेवी के पूरे सिस्टम लगा है इनको किसी ना किसी तरीके से ये बात जरूर निकाल लेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर कई चुनौती भी वहां पर जवानों के सामने पेश आ रही हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन प्रफुल्ल जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे नेवी के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, एक सबमरीन का चला जाना, हमारे पास लिमिटेड सबमरीन है, मैं आपको ये इस पे बता नहीं सकता कि हमारे पास कितनी सबमरीन है, पर कहने का मतलब है ये सबमरीन हमारी ऑपरेशनल सबमरीन थी और ऐसे ही हमारे पास सबमरीन का अभाव है चाइना के कंपैरिजन में, तो एक सबमरीन का चला जाना और ऐसे हादसे होना, और खबर आ रही है कि और कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं, तो हमें सेबोटाज से भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय सेबोटाज सिस्टम जो दुश्मन अपनाता है वो भी बड़ा सतर्क, बड़ा ही एक्टिव रहता है, तो यही नहीं कि कोई टेक्निकल फेलियर के कारण आग लगी है, ये जासूस जो काम करते रहते हैं, सेबोटियर्स जो होते हैं अंडर वाटर आके ये भी हार्म कर सकते हैं, ओपन बॉर्डर है तो हमें और भी सतर्कता दिखानी होगी। बिल्कुल, हमें सतर्क रहने की जरूरत होगी क्योंकि जाहिर तौर पर दुश्मनों की निगाह भी इन तमाम चीजों पर रहती है और इसी वजह से सतर्कता ही बचाव का एकमात्र बड़ा तरीका हो सकता है।